वेलकम बैक, स्वागत है क्रिस्टल कार्स की एक और नई वीडियो में। और ये वाली वीडियो होने वाली है ओल्ड वैगनार की एसेसरीज के लिए। जो गाड़ी है 2007 मॉडल और इसके अंदर काफ़ी एसेसरीज लगी हैं, 13.5 साल पुरानी गाड़ी है। तो इनका क्या प्राइस है लगने के बाद और लगने से पहले, ओवरऑल लुक में क्या डिफरेंस आता है, इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो अगर पूरी डिटेल चाहिए तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके अंदर जो आप एक्सटीरियर में देख सकते हैं वो एक व्हील कवर इसमें डबल कलर के लगे हैं। एक्चुअली ये जो डिज़ाइन है व्हील कवर का, ये सेंट्रो जिंक का है, लेकिन ये 13 इंच आप वैगनार इको इन गाड़ियों के अंदर भी लगा सकते हो वार्सल लगा के। एक जो लुक आएगा इस व्हील कवर के बाद वो आएगा एकदम एलोए टाइप का और पूरा कवर कर लेता है। व्हील कवर में क्लिप टाइप के जो डिज़ाइन आते हैं वो आपको और भी मिल जाएंगे, डिटेल वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, वो चेक कर सकते हैं, लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा इसमें डोर गार्ड, बम्पर प्रोटेक्टर, कार मैट, सीट कवर अभी इसमें लगने वाले हैं। तो सीट कवर का डिटेल और सीट कवर का लुक भी आप इसी वीडियो के अंदर देख पाएंगे। तो अभी आप देख रहे थे इसके मैट, PVC के मैट हैं जो आप किसी भी गाड़ी के अंदर लगा सकते हो, यूनिवर्सल टाइप मैट होते हैं। ये हैं डोर गार्ड, यूनिवर्सल टाइप होते हैं, डिटेल वीडियो इसकी भी मिल जाएगी आपको। और अभी इसके अंदर एक स्टेयरिंग कवर और लगाएंगे सिलाई वाला, जिससे सिलाई होती है जिस स्टेयरिंग कवर की। और नीचे इसमें लगाए गए हैं PVC मैट, किसी भी गाड़ी को मिल जाएंगे, ब्लैक, ग्रे और बेज, 3 कलर इसके अंदर नॉर्मली ज़्यादा चलते हैं। और इसकी भी डिटेल वीडियो मैट की हमारे पास अवेलेबल है, जो आप देख सकते हैं पूरी कौन से तरह के मैट आपको किस गाड़ी में लगाने चाहिए। और ये होती हैं सीट बीट, जो थोड़ा सा हवा का जो प्रेशर है ना उसको पास करने में काम आती है। और अगर आपके रैक्जिन के सीट कवर लगे हुए हैं तो इसमें फिर गर्मी भी नहीं लगती है। उसके अलावा एक म्यूज़िक सिस्टम, एक स्टीरियो, एक मोबाइल स्टैंड, एक फ्लैग, एक परफ्यूम और एक वुडन आर्मरेस्ट। वुडन आर्मरेस्ट की डिटेल वीडियो आप अलग से देख सकते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं, बिल्कुल प्रॉपर होगा, सिर्फ रखना होता है, कोई नट वगैरह इसमें स्क्रू वगैरह कुछ नहीं लगाना होता, खाली रखते ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे। अगर आपकी लंबी ड्राइविंग ज़्यादा रहती हैं तो एक बहुत आपके लिए लुक तो चेंज कर ही देता है, और उसके अलावा एक रिलैक्सिंग चीज़ भी रहता है। मतलब एक दो बार आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि आपका जो हाथ है वो हैंड ब्रेक खींचते हुए अटक रहा है, बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देता है ये। तो अंदर इसके अभी लग रहे हैं सीट कवर और स्टेयरिंग कवर, अभी जो इसमें लगने लग रहा है, मतलब कुछ टाइम बाद आप देख पाएंगे इसको सीट कवर लगने के बाद क्या लुक आएगा। अभी ओरिजिनल सीटें हैं ये, इतनी पुरानी गाड़ी होने के बाद भी बिल्कुल सेम ऐसी की ऐसी हैं। ये म्यूज़िक सिस्टम है और नॉर्मल FM USB BT प्लेयर है, तो आप ये भी किसी भी गाड़ी में लगा सकते हो, सिंगल डिन है। ये आपको ऐसे जो USB प्लेयर हैं वो 13-14 रुपये से लेके 18-1900 रुपये तक बहुत सारे मिल जाएंगे। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा डोर वाइज़र का जो रेट है वो 400-500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 800-900 रुपये तक जाता है। तो इसमें भी काफ़ी वैरायटी आती है और डिफरेंस भी अलग अलग होता है क्वालिटी के हिसाब से। तो अगर आप उसकी डिटेल वीडियो देखना चाहें तो वो भी मिल जाएगी आपको, अलग अलग एसेसरीज की अगर आप देखना चाहें तो। अब बात करते हैं वैगनार की, 13.5 साल पुरानी गाड़ी है, ओवरऑल एक बार लुक देखते हैं। स्टेयरिंग कवर हमने देखिए लगा दिया है इसके अंदर सिलाई वाला, 300-400 रुपये के अंदर ऐसा वाला स्टेयरिंग कवर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। मोबाइल स्टैंड आपको 200-300 रुपये के बीच में, सीट कवर 2500-3000 रुपये के बीच में मिल जाते हैं, बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग के हैं, कोई यूनिवर्सल टाइप नहीं है, नॉर्मल हैं, कोई बकेट नहीं हुई है इसके अंदर। और फिर भी अगर आप फिटिंग देखें तो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, क्योंकि प्रॉपर गाड़ी के हिसाब से बनाए गए हैं। पुरानी गाड़ियों के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, यूनिवर्सल लगा देते हैं, जिसकी वजह से इसकी फिटिंग थोड़ी सी 19-20 आउट हो जाती है, लेकिन अगर प्रॉपर बनाए जाएँ तो इन गाड़ियों में बकेट की ज़रूरत ही नहीं होती। आप देख सकते हैं ब्लैक प्लस सिल्वर कलर का डिज़ाइन इसमें बनाया गया है, और ये जो इसमें लाइन डाली गई है सिल्वर कलर की, एज पर कस्टमर चॉइस है, क्योंकि गाड़ी जो है वो उनकी सिल्वर कलर की है। और नीचे का, ऊपर का, आगे का, पीछे का पूरा डिज़ाइन बिल्कुल कॉमन होता है, एक जैसा देखने में। तो लुक आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर फिट होगा, और ऐसा डिज़ाइन या ऐसा सीट कवर किसी भी गाड़ी के लिए या किसी और कलर में वो भी मिल सकता है, उसकी वीडियो भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में आपको। और ये पीछे का लुक आप देख सकते हैं सेम वैसा ही है जैसा आगे का होता है, ब्लैक कलर का ओवरऑल सीट कवर है और इसमें सिल्वर कलर की जो है ये की है लाइनिंग डाल दी गई है, ताकि थोड़ा सा लुक इसका अच्छा हो जाए। तो ओवरऑल आप देख ही सकते हैं काफ़ी लुक चेंज हो गया है पहले से, एक बार आपको पूरा बता देते हैं इसमें। आइए आपको बैक साइड से दिखाते हैं, पहले ये सीट कवर जो इसमें लग चुके हैं पीछे, सेम कपड़ा वही रैगजीन होती है बेसिकली, लेदराइट बोलते हैं जिसको, आर्ट लेदर, पीछे पॉकेट होती है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, और मैट जो है वो यूनिवर्सल टाइप है, आप किसी भी गाड़ी के लिए इसमें ले सकते हो। इन एसेसरीज का जो प्राइस है उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसकी रिव्यू की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। 13.5 साल पुरानी गाड़ी के अंदर इतना जो खर्चा किया गया है
वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें खर्चे की बात करें तो एसेसरीज के अंदर करीब 10,000 रुपये का खर्चा टोटल हुआ है सारी चीज़ें मिला के। एक्यूरेट इनका जो प्राइस है उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ आप चेक कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर जल्दी ही। जय हिंद।